हेलो, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट और इमेज के पीछे वीडियो बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्लाइड है इसको ब्लैंक लेआउट में रखेंगे। तो यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे इसको ब्लैंक करेंगे, तो ये जो है स्लाइड जो है ब्लैंक में आ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे। तो पिक्चर लगाने के लिए हम यहाँ पे पिक्चर कमांड पे जाएंगे। पिक्चर कमांड पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाएंगे, जैसे ये पिक्चर हमने यहाँ पे ली। लेने के बाद यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको फिर यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाएंगे, जैसे ये इसका साइज़ पिक्चर का बढ़ा दिया हमने, ये साइज़ रखा, ये साइज़ यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वीडियो इंसर्ट करनी है। तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे मीडिया ग्रुप में जाएंगे। मीडिया ग्रुप के यहाँ पे वीडियो कमांड पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे वीडियो ऑन माय पीसी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वीडियो आ जाएंगी। वीडियो यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद ये जो वीडियो है यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, यहाँ से प्ले करेंगे, ये वीडियो यहाँ से प्ले हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से इसको बंद किया। बंद करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे कुछ भी लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिखूँगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से शेप लेंगे, जैसे कोई भी यहाँ से शेप ली, जैसे ये शेप यहाँ पे हमने ली, ये शेप यहाँ पे इंसर्ट की। इंसर्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा, बायस बायस ज्ञान टेक, ये चैनल का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाएंगे, जैसे इसका साइज़ यहाँ पे रखा हमने 36, ये साइज़ रखा। इसके बाद इसको बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इसको कलर में कर दिया, जैसे कोई भी कलर यहाँ पे हम लेंगे। जैसे सपोज करो इस कलर में इसको रखा, ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो शेप यहाँ पे आई है, ये शेप इस वीडियो के पीछे चली जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंज पे जाएंगे, अरेंज कमांड पे जाएंगे। अरेंज कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे इसको सेंड बैकवर्ड यहाँ पे किया, तो ये देखो ये पीछे चली जाएगी, ये जो हमने लिखा था, ये जो शेप थी ये पीछे चली जाएगी वीडियो के। और यहाँ से अगर हम वीडियो को प्ले करेंगे, ये वीडियो यहाँ पे प्ले होगी। इसके बाद यहाँ से बंद किया इसको। इसके बाद अगर हम इस वीडियो को पिक्चर और टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अरेंज कमांड पे जाएंगे। अरेंज कमांड पे जाने के बाद सेंड टू बैक, ये देखो सेंड टू बैक, तो सेंड टू बैक किया हमने। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वीडियो है, ये जो टेक्स्ट है इसके पीछे और ये जो पिक्चर है इसके पीछे चली गई है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो दिया गया है शेप है, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसको क्या है, ये जो पिक्चर दी गई है इसको हम रीसाइज करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको रीसाइज किया, ये देखो रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के बाद यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद इसको भी यहाँ पे ले आएंगे, ये देखो यहाँ पे ले आए। यहाँ पे लाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो को प्ले करेंगे। तो वीडियो को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये देखो वीडियो यहाँ से प्ले होगी। प्ले होने के बाद ये जो पिक्चर है और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके पीछे ये वीडियो चल रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पिक्चर और टेक्स्ट के पीछे वीडियो बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।